हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी विच आर 90 mm अपार्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। व्हेन पी इज एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच वन इज 75 mm। ड्रॉ द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट पी, ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स और वही टेक्निक का यूज करेंगे जो इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, कौन से मेथड से ड्रॉ करना है, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे कहीं पर भी इलिप्स ऐसा वर्ड लिखा हुआ नहीं है और वो कौन से मेथड से ड्रॉ करना है ये भी क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं है। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, देन है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, देन है एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और लास्ट में है एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। ये 4 में से कोई भी मेथड का यहां पे नाम लिखा नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से ड्रॉ करना है, तो ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको एलिप्स कौन से मेथड से एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एलिप्स है ये कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है A point P moves in such a way that the sum of its distance from two fixed points. देखो, ये जो word है two fixed points, ये सबसे important है। इसके पहले के video में भी हमने ये बात बताए थे कि two fixed points it means distance between focus होता है। तो यहाँ पे two fixed points A and B दिया है और उसके बीच में distance कितना दिया है, 90 mm दिया है। तो यहाँ पे two fixed points, ये देखो, ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिलहाल ये हम रफ में बता रहे हैं, आगे चल के हम इसका फेयर वर्क करेंगे। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 90 mm, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट, ये ए और बी के अलोंग यहाँ पे पॉइंट पी जो है रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट पी है कहाँ पे, उसका एग्जैक्ट पोजिशन वो भी क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हेन पी इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी। देखो, लिखा है पॉइंट पी जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो कितना दूर है, तो क्वेश्चन में लिखा है दैट इज फ्रॉम ईच वन इज 75 mm, ए से और बी से दोनों से पॉइंट पी 75 mm दूर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पॉइंट पी ले लेंगे और ये पॉइंट पी ए से कितना दूर है और बी से कितना दूर है, तो वो दिया है 75 mm दूर है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है ड्रॉ द कर्व दैट इज ड्रॉ द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना है। जाहिर सी बात है अगर ये पॉइंट पी ए और बी के अलोंग अगर ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व मिलेगा वो एलिप्स मिलेगा। तो वही एलिप्स वही कर्व हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और पूरा एलिप्स ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, वो तो हम टेंजेंट और नॉर्मल बाद में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। लेकिन एलिप्स ड्रॉ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होता है, एक है मेजर एक्सिस और दूसरा है माइनर एक्सिस। और क्वेश्चन में कहीं पे भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। मेजर एक्सिस का लेंथ यहाँ पर हो जाएगा, मेजर एक्सिस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 mm। तो ये कैसे समझ में आएगा कि 150 mm हो रहा है, तो सीधी सी बात है हमने क्या किए, 75 75 ये दोनों को ऐड किए तो हमें 150 mm मेजर एक्सिस मिल गया। माइनर एक्सिस कितना है वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया नहीं है। और माइनर एक्सिस फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही रफ में अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलहाल नहीं पता चलेगा, वो हमें ड्रॉ करने पर पता चलेगा। जब हम ड्रॉ करेंगे तब हम माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेजर एक्सिस 150 कैसे, वो इम्पॉर्टेंट है, वही समझना है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने एक बात बताए थे कि इलिप्स में अगर कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट अगर टू फिक्स पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने से मेजर एक्सिस मिलता है, ये इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं क्या कहा हमने। देखो, अगर ये कोई इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स का ये रूल है, ये डेफिनेशन ही है, इलिप्स के ऊपर अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट है, देखो ये है एलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ठीक है, ये एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, हमने इसको कहा पॉइंट पी। और अगर ये पॉइंट पी फोकस से अगर आप ज्वाइन करेंगे, इधर होता है फोकस F1, इधर होता है फोकस F2। ठीक है, ये पॉइंट पी अगर ये फोकस F1 और F2 से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो लेंथ है,
ये है L1 और ये जो लेंथ है ये है L2। तो रूल ऐसा है कि अगर आप L1 और L2 को ऐड करेंगे तो हमेशा मेजर एक्सिस मिलता है, ये रूल है इलिप्स का, ठीक है। L1 और L2 को बस आपको ऐड करना होता है, और ये पॉइंट पी कहीं पे भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट पी यहाँ होने दो या यहाँ या यहाँ, कहीं पे भी पॉइंट पी होने दो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो पॉइंट पी है ये पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी है, और ये पॉइंट पी जो है वो ए और बी के अलॉन्ग ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये पॉइंट पी इनडायरेक्टली इलिप्स के ऊपर है, ठीक है, और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ए एंड फ्रॉम फोकस बी, इट मीन्स ये L1 और L2 हमें पता है, ये है 75 mm, ये L1 है और ये L2 है, ये है 75 mm, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है, तो हमने ये दोनों को ऐड कर लिए, तो हमें मेजर एक्सिस कितना मिला, मेजर एक्सिस हमें मिला 150 mm, तो इसलिए हमने ये 150 mm कहा था, ठीक है, समझ गए। तो फाइनली मेजर एक्सिस पता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये भी पता है, अब हम फाइनली सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय हमें सबसे पहले माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें पूरा एलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा, और हम एलिप्स बनाएंगे बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो चलो ड्रॉ करना फाइनली शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये 90 mm का लाइन ड्रॉ किया है, 90 mm इसके लेफ्ट साइड में हम देंगे ए और राइट साइड में हम देंगे बी, ये है दैट इज फोकस ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी इज 90 mm, तो ये हमने शो कर लिया है, और अब हम यहाँ मेजर एक्सिस शो करेंगे। तो मेजर एक्सिस का जो लेफ्ट एंड है वो हम ए से 30 mm दूर लेंगे, और जो राइट एंड है वो बी से हम 30 mm दूर लेंगे, क्योंकि मेजर एक्सिस टोटल कितना बनेगा, मेजर एक्सिस टोटल 150 mm बनेगा। तो 150 - 90 कर लो, ठीक है, 150 - 90 करेंगे तो 60, ठीक है ना, तो 60 का हाफ करो तो आपको 30 इधर और 30 उधर ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम ऐसा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में 30 और राइट साइड में 30, तो ये देखिए ये हमने लेफ्ट साइड में 30 एक्सटेंड कर लिए, यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे दैट इज पी, और अब हम राइट साइड में भी 30 एक्सटेंड कर लेंगे, तो इधर जो हम नेमिंग देंगे वो रहेगा दैट इज क्यू, ठीक है, इस तरह से। तो ये पी क्यू हो गया टोटल 150 mm, ये है मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक 30, फिर 90, फिर 30, ठीक है, इस तरह से। और अब हमें माइनर एक्सिस चाहिए, तो माइनर एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, ये मेजर एक्सिस का सबसे पहले सेंटर ले लेंगे, तो देखो ये हम मेजर एक्सिस का सेंटर ले रहे हैं, तो ये हमने ले लिए सेंटर, ठीक है, क्योंकि माइनर एक्सिस जो है वो सेंट्रली पास होती है, तो ये हमने सेंटर ले लिए, उसको हमने नाम दे दिए ओ। और अब हम कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास में पी से ओ का लेंथ लेंगे, देखो पी से ओ का लेंथ ये हमने ले लिए, इट मीन्स 150 का हाफ, ठीक है, इट मीन 75 mm, ये हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर हमें ए और बी पे रखना है, इट मीन्स फोकस के ऊपर रखना है, और ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शन पॉइंट तैयार करना है, तो ये हमने ऊपर यहाँ पे आर्क बना दिए और नीचे भी आर्क बना देंगे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस हमें बी पे रखना है, और ऊपर के आर्क पे और नीचे पे, नीचे के आर्क पे ये हमें कट करना है, तो देखो हमने कट कर लिए, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें ऊपर नीचे यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए, तो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है हम इसको नाम दे देंगे, ये है R, और ये जो पॉइंट हमें मिला है ये है S, तो PQ, और अब RS को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो फाइनली हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिल गया, और अब हम इलिप्स के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। इलिप्स हमें ड्रॉ करना है बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तो अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले AO का लेंथ ये जो है हमें इसको डिवाइड करना है, AB का लेंथ 90 mm है, तो AO का लेंथ कितना होगा 45 mm, हमें इसको डिवाइड करना, कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये पूरा चॉइस आपका है, या तो 4 पार्ट में डिवाइड करो या तो 5 पार्ट में डिवाइड करो। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और आपको एक ही साइड में डिवाइड करना है, दोनों साइड में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक्स में इधर भी डिवाइड करा के दिया है, इधर भी डिवाइड करा के दिया है, और कुछ बुक्स में सिर्फ एक ही साइड में डिवाइड करके एलिप्स पूरा ड्रॉ हुआ है। आपको कौन से मेथड से ड्रॉ करना है ये पूरा चॉइस आपका है, एक एलिप्स जो है वो एक ही बनता है, ठीक है, हम सिर्फ एक ही साइड में डिवाइड करते हैं, और ये इक्वली डिवाइड करना जरूरी नहीं है, आप रैंडमली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे 5 पार्ट्स ले लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट, इस तरह से। तो ये रैंडमली आप लो अनइक्वल पार्ट्स रहेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिए। और अब हम कंपास का यूज़ करेंगे, और कंपास में लेंथ कितना लेना है वो पहले आप समझ लो। तो कंपास में हमें लेंथ यहाँ पे लेना है, चलो हम आपको बता देते हैं, पहले आपको P1 का लेंथ लेना है, देन P2 का लेंथ लेना है, देन P3 का लेंथ लेना है, और फिर P4 का लेंथ लेना है, ठीक है।
पी यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, पी वन का लेंथ लो, पी टू, पी थ्री, पी फोर, उसके बाद वो जो क्यू है क्यू से वन का लेंथ लेंगे, इतना होने के बाद फिर आपको क्यू से स्टार्ट करना है, तो ये क्यू से वन, फिर क्यू से टू, फिर क्यू से थ्री, क्यू से फोर, इस तरह से आपको लेंथ ले लेना है। और ये जो भी लेंथ लेंगे वो लेंथ लेने के बाद कंपास का सेंटर आपको ए और बी पे रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है, क्योंकि ये आर्क ऑफ सर्कल मेथड है इसीलिए। तो सबसे पहले ये हमने देखो कंपास लेना है, तो ये हमने कंपास ले लिए, कंपास में पी वन का लेंथ लेना है, तो ये हमने कंपास में पी वन का लेंथ जैसा हमने कहा था ले लिए। और अब कंपास का सेंटर ए और बी पे रखना है, तो सबसे पहले हम कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे और नीचे आर्क बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ओके। और अब इतना ही डिस्टेंस कंपास का सेंटर बी पे रखो और फिर से ऊपर और नीचे ऐसे आर्क बना दो, ठीक है, ये हमने बना दिए। ये हमने P1 का डिस्टेंस यूज़ किए, और अब P2 का डिस्टेंस यूज़ करना है। देखो P से लेके 2 का लेंथ हम कंपास में लेंगे, तो ये हमने P से 2 का लेंथ कंपास में ले लिए। और फिर से बिल्कुल सेम प्रोसेस, कंपास का सेंटर A पे रखना है और B पे रखना है, और ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करना है, और ये आर्क जो है बिल्कुल फेंट ड्रॉ करना है। देखो ये हमने कंपास का सेंटर B पे रखेंगे, डिस्टेंस उतना ही है, और हमें ऊपर नीचे जस्ट यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है, इस तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस, P1, P2 हो गया, अब P3 और P4 कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने P1, P2, P3, P4 के यहाँ पे आर्क बना लिए, और अब Q1, Q2, Q3, Q4 के हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो देखो Q यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम फिर से कंपास का यूज़ करने वाले हैं। तो कंपास में पेंसिल को बड़ा कर लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्टेंस रहेगा ये, तो ये क्यू से लेके वन का डिस्टेंस ये हम कंपास में ले लेंगे। और अब कंपास का सेंटर हमें ए पे रखना है, और कंपास का सेंटर ए पे रख के हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में जो फर्स्ट आर्क आपने बनाए थे उसके ऊपर कट करना है। देखो ये जो फर्स्ट आर्क है उसके ऊपर कट करना है, तो ये हमने कंपास का सेंटर ए पे रखे, और ये फर्स्ट आर्क के ऊपर हम कट करेंगे, और ये ऊपर भी कट करना है, और आपको ये नीचे भी कट करना है, तो ये हम ऐसे कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने क्यू वन का डिस्टेंस ले लिए, और अब इतना ही डिस्टेंस हमें कंपास का सेंटर बी पे रखना है, और अपोजिट साइड में ये फर्स्ट आर्क जो बनाए थे उसके ऊपर कट करना है, ठीक है। तो ये हमने कंपास का सेंटर बी पे रखे, और अपोजिट साइड में ये यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग बुक में बिल्कुल सही से बन जाएगा, ऊपर भी कट करना है और ये नीचे भी, और अपोजिट साइड में, ये ध्यान में रखो, अपोजिट साइड में इस तरह से, ये देखो यहाँ पर हमने ये कट कर दिए, ठीक है, फर्स्ट आर्क के ऊपर। तो ये क्यू वन का डिस्टेंस हमने ले लिए, और अब क्यू टू का डिस्टेंस, क्यू से लेके टू का डिस्टेंस अब हम कंपास में लेंगे, तो ये हमने Q से 2 का डिस्टेंस कंपास में ले लिए। और अब फिर से बिल्कुल सेम टेक्निक, कंपास का सेंटर हमें A और B पे रखना है, और कंपास का सेंटर A पे रख के अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर कट करना है, ये जो सेकंड नंबर का आर्क आपने जो बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये हमने, ये देखिए, ऊपर हम कट करेंगे और नीचे भी हम कट करेंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे कट करना है, बिल्कुल सेम इतना ही डिस्टेंस Q2 का, कंपास का सेंटर हमें B पे रखना है, और अपोजिट साइड में इधर सेकंड आर्क जो बनाए थे उसके ऊपर आपने कट करना है। तो ये हम कंपास का सेंटर B पे रखेंगे, और ये अपोजिट साइड में यहाँ ऊपर और नीचे कट करेंगे, और इसी तरह से ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए, हमने Q1, Q2, Q3, Q4 ये डिस्टेंस का यूज़ करके यहाँ पे सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए हैं, और अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, ये सभी को ज्वाइन करना है, और ये ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे कर्व मिलेगा वो होगा एलिप्स। और ये ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये बोर्ड के लिए हमारे पास बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं है, तो हम इसको फिलहाल फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ ज़रूर करना। फ्रेंच कर्व से जो आप एलिप्स बनाओगे वो बिल्कुल स्मूथ कर्व बनेगा और बिल्कुल प्रॉपरली बनेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एलिप्स बना लिए हैं, ये हमने पूरा बाय फ्री हैंड बनाया है, ये बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन जब आप इसको फ्रेंच कर्व से ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। और पूरा एलिप्स ड्रॉ होने के बाद उसका डिस्टेंस वगैरह वो हमें लिखना है, तो ये हमने मेजर एक्सिस यहाँ लिखा है 150 mm, और माइनर एक्सिस कितना है वो फिलहाल हमें नहीं पता, वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करने पर पता चल जाएगा। फिलहाल ये हमने पूरा बोर्ड पर बनाया है, जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो ये जो भी माइनर एक्सिस रहेगा आर एस, इसका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो आपको यहां लिखना है। लेकिन हम यहां पे एक थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, मेजर एक्सिस का नाम ये हम यहां पे अलग देंगे, एम और एन ऐसा दे देंगे, ठीक है।
वो इसीलिए क्योंकि पी क्यू, देखो हम यहाँ पे पी दे नहीं सकते, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो पॉइंट पी है वो मेंशन किया है कि पॉइंट पी इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी। पॉइंट पी यहाँ पे कहीं ना कहीं है, ठीक है, और वो पॉइंट पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो यहाँ पे पॉइंट पी हमें शो करना है। हम यहाँ पे जहाँ पे आर है वहीं पे हम पॉइंट पी शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से 75 mm है और बी से भी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो किया, यहाँ पे हमें शो नहीं करना है, ठीक है, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करना ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप कहीं पे भी पॉइंट लेके टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लेंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, आप कहीं पे भी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ ले लिए और यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और नॉर्मल, तो ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट क्यू। अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, काफ़ी सिंपल है। तो रूल ऐसा है कि आपको जहाँ टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है वो पॉइंट पहले आपको फोकस से ज्वाइन करना है, इट मीन्स ये पॉइंट क्यू हम ये ए और बी से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन किए हैं इनके बीच में हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब इनके बीच में एंगल कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप डायरेक्टली एंगल चेक करके उसको डिवाइड बाय टू करके आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप कंपास का यूज़ करके आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंपास का यूज़ करेंगे और कंपास का यूज़ करके एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर डायरेक्टली अगर आप प्रोटेक्टर से डिवाइड करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन उससे एग्जैक्टली मिलता नहीं है, आप कंपास का यूज़ करके बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने कंपास ले लिए, कंपास में कुछ भी डिस्टेंस ले लो जो आपका मन करे। तो ये हमने कंपास में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस ले लिए, ठीक है, और ये डिस्टेंस कंपास का सेंटर क्यू पे रखना है, ठीक है, और ये ए के तरफ और बी के तरफ जो लाइन गई है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये कंपास का सेंटर हमने क्यू पे रख दिए, ठीक है, ये बी के तरफ वाली लाइन पे कट किए और ये ए के तरफ वाली लाइन पे हमने कट किए, ओके, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, और अब उतना ही डिस्टेंस कंपास का सेंटर यहाँ पे और यहाँ पे रखना है। हम एक काम करते हैं, हम इसको नेमिंग दे देंगे, तो यहाँ पे कटा है हम इसको ए कहेंगे, और ए नहीं, ए ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे हम सी और डी कहेंगे, ए बी यहाँ पे ऑलरेडी हो गया इसलिए सी एंड डी कहेंगे, ठीक है। तो कंपास का सेंटर अब हम सी पे रखेंगे, देखो यहाँ पे हमने रखे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, और अब कंपास का सेंटर डी पे रखो और ये जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है। ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपको क्यू से ज्वाइन करना है, तो हम इसको क्यू से ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन करते ही ये जो बनेगा ये क्या होगा, ये रहेगा नॉर्मल, देखो ये हमने नॉर्मल बना दिए, और अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो हम क्यू पे रखेंगे और प्रोटेक्टर का जो जीरो डिग्री है वो ये नॉर्मल के ऊपर सेट करना है, तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। देखो इस तरह से ये हमें हमने यहाँ पे रख दिए और ये 90 डिग्री का एंगल हमने ले लिए, और अब यहाँ पे हम इसको क्यू से ज्वाइन करेंगे तो यही हो जाएगा टेंजेंट। और ये टेंजेंट और नॉर्मल जो है आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना है। तो ये देखिए टेंजेंट और नॉर्मल फाइनली हमने ड्रॉ कर लिया है। टेंजेंट के ऊपर लिखो टेंजेंट, नॉर्मल के ऊपर लिखो नॉर्मल, और ये टेंजेंट को हमने यहाँ पे एरो भी दिया है। टेंजेंट और नॉर्मल आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये एलिप्स ये भी पूरा डार्क होना चाहिए। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, और रिमेनिंग वर्क जो है वो आपको फेंट शो करना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सोल्यूशन बना दिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।